एटा में समाजवादी पार्टी के युवक सभा के प्रदेश सचिव रंजीत सिंह राठौर, पूर्व नगर अध्यक्ष पुजारी यादव के साथ ही छात्र सभा से मयंक यादव के द्वारा देश में चल रहे लॉकडाउन को लेकर सभी ने अपने अपने अंदाज में विचार व्यक्त करते हुए देश में फैल रही इस महामारी से बचाव के लिए कई उपाय और सुझाव दिए। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने आप पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता पुजारी यादव, रंजीत सिंह राठौर या मयंक यादव द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर पर ही रहने की सलाह दी गई। नेताजी, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और लॉकडाउन इस समय चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? लॉकडाउन में व्यक्ति को सरकारी निर्देशों का अक्षर से पालन करना चाहिए। यदि 10 बजे तक ही मार्केट खोलने का प्रावधान है तो 10 बजे तक ही घर से बाहर रहें, वो भी आवश्यक कार्य से जाएं, जैसे कि सब्जी है और भी जरूरी वगैरह सामान है उसे लेने जाएं, बाकी अपने घर पर रहें। घर पर और तमाम कार्य हैं उनमें व्यस्त रहें, लेकिन बाहर न निकलें, सरकारी निर्देशों का अक्षर से पालन करें। साथ ही ये कोरोना जो महामारी चल रही है, क्या लॉकडाउन से ऐसा आपको लग रहा है संभव कि इससे कुछ कमरे में होने में कुछ सावधानी बरती जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, जरूरी निर्देश तो यही है, WHO भी कह रहा है, भारत सरकार भी कह रही है, और ये विश्व की महामारी है, विश्व के तमाम जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो यही राय दे रहे हैं कि सामाजिक दूरी से ही इसको और सजगता से ही इसको भगाया जा सकता है। आप किसान यूनियन में, युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर के, क्या संदेश है आपका? कोरोना को लेकर ये संदेश है मेरा कि ये चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ है, इसने 197 देशों को चपेट में ले लिया है, जो कि अमेरिका और इटली जैसे शक्तिशाली देश थे वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। और बात की जाए भारत की, तो भारत में बहुत ही ज़्यादा मौतें हुई हैं और ये स्टार्टिंग इसकी चाइना से हुई है, चाइना वालों ने भारत तक में फैला दिए। मान लो 197 देशों को चपेट में लेने के बाद भी मैं यमंक यादव छात्र मोर्चा से जिलाध्यक्ष हूँ, आप सभी मेरे भाइयों से बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि अपने घर से किसी अनावश्यक कार्य के लिए न निकलें, अगर ज़रूरत है निकलने की तो अपने आवश्यक रूप से ही जाएं और समय से अपने घर पहुंचे। जो सरकार के निर्देश हैं 10 बजे तक के बाजार खुलने के, उनका निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरह, और सैनिटाइज़र और मास्क, इन दोनों चीज़ों का सही से ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। समाजवादी पार्टी के योजन सभा के प्रकोष्ठ में सचिव हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे लॉकडाउन और कोरोना को लेकर के? जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया है हमको, हमको उसका पालन करना है। लॉकडाउन से अपने घरों में रहें लोग, बचाव रहेगा, और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए घर से बाहर निकलें और बाकी अपने घर में रहें, अपना काम करें। साथ ही आप एक यूथ नेता हैं, युवा नेता हैं, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या प्रेरणा देंगे कि इस समय एक युवा वर्ग है वो काफ़ी विचलित है कि कोरोना को लेकर के क्या करें क्या ना करें, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से मेरा यही संदेश है कि ज़्यादातर तो अपने घर में ही रहें और बाकी अपने आसपास समाजवादी पार्टी से जो भी बिलोंग करता है वो लोग देखें, कोई गरीब असहाय लोग कोई भूखा ना रहे, और उनकी मदद करें, तैयार रहें और लोगों तक सुविधाएं पहुँचाएँ जो सक्षम है। जैसे एटा से KKT न्यूज़ ब्यूरो राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट।